ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਤਾਓ ਜੀ ਆਪਕੇ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਮਰਾਟ। ਅੱਛਾ, ਜਬ ਆਪ ਇਸਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਆ ਤਕਲੀਫ ਆਈ? ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ? 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਇਸਕੋ। 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਚੜਨੇ ਮੇ? ਜੀ। ਚਲੋ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਨਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋ ਇਨਕੋ ਜਾਦੂਗਰ ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ, ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਜਾਦੂ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੇ ਚਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੋ 2 ਦਿਨ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਹਮਾਰੇ ਤੋ ਸਾਰੇ ਘੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੇ ਘੁਸਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੀ ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰਤੇ ਹੈ। गुड मॉर्निंग जी, नए घोड़े के साथ कल का सेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ और वो बिल्कुल नया घोड़ा था हमारे लिए, वो थक ना जाए इसको, इसलिए उसको कल काम दे के फ्री कर दिया गया। सुबह राउंड पैन उसको काम देने के लिए तैयार है। अगर राउंड पैन में बहुत सारी धूल है तब भी काम करने का मज़ा ना घोड़े को आता है, ना वीडियो वाले को आता है, ना ट्रेनर को आता है। आपकी जगह अच्छी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इस घोड़े के साथ हमारे मिस्टर ट्रेनर ने 2 सेशन किए कल। ये घोड़ा बिल्कुल ऐसी जगह से आया जहां इसको कभी ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिला। जब इसके नए मालिकों ने इसको ट्रेलर में चढ़ाना चाहा तो बहुत ही मशक्क़त का ये काम रहा। अभी ये घोड़ा राउंड पैन में भी या स्टॉल में भी पकड़ना इसको थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसमें भी काफ़ी मशक्क़त लग रही है। और ऐसा घोड़ा कई बार थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो तो आपको रूम में लपेट के आपको दुलत्ती भी जड़ सकता है या आप पे अटैक भी कर सकता है। अगर आपका घोड़ा उसके साथ राउंड पैनिंग अच्छे से हो गई हो तो आदमी के साथ काफ़ी ज्वाइन हो जाता है, अटैच हो जाता है और वो अपनी और आदमी की स्पेस की इज्जत करता है। जैसे घोड़ा अपनी स्पेस में किसी को नहीं आने देता, उसी तरह उसको भी आदमी की स्पेस में नहीं आना चाहिए। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जो आदमी और घोड़ा एक दूसरे को देते हैं। कई घोड़े मगर स्पेशली जो ब्रीडिंग स्टैलियंस हैं वो इस तरह की म्यूचुअल रिस्पेक्ट घोड़े के साथ नहीं करते। प्यार एक अलग चीज़ है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है। प्यार में तो कोई दोस्त एक दूसरे को धक्के दे सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, फिर भी कहते हैं हमारा प्यार है, मगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। और ये घोड़ा पहुंच गया राउंड पैन में। ये कोई इससे पहले के जो 2 सेशन हैं उसका इस पर काफ़ी असर है। कई बार आपकी जो जद्दोजहद है घोड़े के साथ वो बहुत लंबी हो सकती है और उसमें घोड़े का नुकसान हो सकता है। जैसे कि ये घोड़ा जिसको शायद ना तो राउंड पैन की आदत थी, ना ही इसको किसी ने शायद लंज किया होगा, जिस तरह से ये भागता था, पहले मुड़ रहा था, उस तरह लगता था कि ये घोड़ा एक आराम से किसी कमरे में पल के बड़ा हुआ है, इसको भागने दौड़ने की ज़्यादा समझ नहीं है। और एग्जॉस्ट होके घोड़ा कोलैप्स भी कर सकता है। इस तरह से ट्रेनर्स को ये भी ध्यान करना पड़ता है कि उनकी ज़िद के आगे घोड़ा बीमार ना हो जाए। तो ऐसे घोड़ों को थोड़े थोड़े सेशन दिए जाते हैं और सोचा जाता है कि वो खाते पीते रहें, पानी नहीं पियेंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, उनका दिल इन कामों में नहीं लगेगा बिल्कुल भी। सो एक अच्छा ट्रेनर अपनी बात तो मनवाना चाहता है मगर घोड़े की सेहत के साथ ना खेलते हुए। राउंड पैनिंग भी एक तरह का जॉइन अप मेथड ही है मगर ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें घोड़ा आपके इशारे से मूवमेंट्स करता है, आपके इशारे से मुड़ता है और उसको मजबूर किया जाता है कि वो आदमी में इंटरेस्ट ले, मगर उसको सिर्फ भगा के आदमी के इशारे पे वो मुड़ने लगे तब उसको रिलैक्स किया जाता है। हो सकता है 3-4 ये है एक तरह का जो है ना, बट इसके कुछ तरीके डिफरेंट हैं। ये एक थका देने वाला काम है और नए लोगों को इसको समझने में काफ़ी समय लग सकता है कि ये क्या कर रहे हैं। मुझे भी इसके बेसिक समझने में काफ़ी समय लग गया। वैसे तो इस तरह के वीडियोस मैंने इंटरनेट पे बहुत देखे और मुझे लगता था कि मैं सही समझ रहा हूँ, जबकि जब तक आपको कोई पर्सनली एक्सप्लेन ना करे तो आपको सही फंडामेंटल्स उसके
पता नहीं चलते मेथड के। तो हमारे ट्रेनर साहब ने हमें बहुत सारी बारीकियाँ इसके बारे में समझाई हैं। उम्मीद है कि हम आने वाले समय में अपने हाथ इस तरह की ट्रेनिंग में ज़रूर आजमाएंगे। बेशक आप थ्योरेटिकली किसी बात को अच्छे से समझ भी लेते हो और उसमें जब आप अपने शरीर से काम करते हो तो आपको फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। थका हुआ आदमी शॉर्टकट ढूंढता है, जैसे थका हुआ घोड़ा या अड़ियल घोड़ा शॉर्टकट ढूंढता है, उसी तरह से ट्रेनर की शरीर में भी जान होने चाहिए, नहीं तो जब वो थक जाएगा तो अपना गुस्सा घोड़े पे निकालेगा। सो फिज़िकली ट्रेनर को फिट होना बहुत ज़रूरी है और शॉर्टकट से बचना चाहिए, क्योंकि आपका कोई भी एक शॉर्टकट उस घोड़े की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक नहीं कर पाएगा। और हमारे मिस्टर ट्रेनर, उनमें बहुत ही पेशेंस है और वो फिज़िकली फिट हैं, और जो एक असूल बने हुए हैं एक ट्रेनिंग मेथड के, उसमें वो अपना तड़का बिल्कुल भी नहीं लगाते। गड़बड़ इसी तरह होती है जब आदमी शॉर्टकट ढूंढता है, घोड़े को खिलाता है, दाना खिला के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, तो अगर घोड़े का पेट ही भर जाए तो वो फिर अंदर कैसे जाएगा, उसको तो बाहर ही मज़े आ जाएंगे। सो खेल सारी एक प्रेशर की है, आप घोड़े पे प्रेशर डालते हो और उसको आराम तभी मिलेगा जब वो आपका डिज़ायर्ड काम करता है। ये घोड़ा बेशक पुराने मालिक भी 3 घंटे में चढ़ा के लेके आए और हमारे ट्रेनर साहब ने इसमें लगाए होंगे करीब 4 घंटे, मगर उनके 4 घंटे लगाने में ये घोड़ा विलिंगली ट्रेलर में चढ़ने लग गया। इसके बाद भी इसके शाम के जो सेशन हुए उसमें घोड़ा विलिंगली चढ़ता रहा, और कल जब हमारे जो इस घोड़े के ओनर हैं वो इसको लेने आएंगे तो उनके हाथ से भी इस घोड़े को चढ़वाया जाएगा, ताकि आगे के लिए वो भी समझ जाएं कि इस घोड़े को कैसे हैंडल करना है। राउंड पैनिंग के बाद घोड़े को एक बड़े एरिना में इस ट्रेलर के पास लाया गया, ताकि इसको इस ट्रेलर की प्रेजेंस का थोड़ा ध्यान आए और इस ट्रेलर से अगर उसका कोई डर है तो वो मिट जाए। हाँ, इसमें भी करीब आधा घंटा लगा होगा इस घोड़े को इस ट्रेलर के आसपास घुमाने में,
और एंड ऑफ द डे घोड़े को ये मानना ही पड़ेगा कि उसके लिए कोई मज़े की जगह है तो वो ये ट्रेलर है, और उसको इसकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पहले हम लोग जो करते थे, घोड़े के अगले पैर बांध के भी चढ़ा देते थे, घोड़े को ट्विच लगा के भी चढ़ा देते थे, ज़्यादा हो तो जेलाजिन लगा के भी चढ़ा देते हो आप, मगर वो घोड़ा चढ़ तो जाता है, अगर वो प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और परमानेंट सोल्यूशन जब तक आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग स्किल्स ना हो, वो पूरी जानकारी ना हो, आप कर भी नहीं सकते। तो जो लोग भी उनको अपने अपने तरीके से चढ़ा रहे हैं, दे आर डूइंग गुड फॉर द हॉर्सेस, खेल रही, मगर अगर आप ऐसे कुछ अच्छे तरीके सीख सके तब ये घोड़े और आपके दोनों के लिए अच्छा है। अभी मैं क्या हूँ, अभी इंसान की तरह मैं ग्रीडी बन जाऊँ? नहीं नहीं, वो आगे से फीड करने वाला तो तरीका ही नहीं अपनाना, आगे से खाना खिलाने वाला तो तरीका ही नहीं अपनाना। हाँ, कितना खाता रहेगा वो? ट्रेलर के पास आके ये शांति जरूरी है, ये शांति जरूरी है चढ़ने से पहले। हाँ, हाँ वो दूर से ही ट्रेलर को देख के ही डरने लगते हैं। हाँ, वेरी गुड, ब्रेवो। मैं मिस कर गया वीडियो लेना, मगर कभी मैंने इसको ट्रेलर में जाने के लिए कहा ना। हाँ, अपनी मर्जी से ही नहीं जाएगा तो कुश्ती कब तक करेंगे? पहले मैं हमेशा बोलता था कि सुअर से कुश्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो गंदा होता है, आपको भी गंदा करेगा, मगर आगे से मैं ये भी बोलूँगा कुश्ती घोड़े से भी नहीं करनी चाहिए, आप हारोगे ही हारोगे। मेरी है, बिल्कुल ठीक। हाँ, सही है, ये सिंपल ट्रिक है, बिल्कुल है। चलो ग्रेट, मगर एक पॉइंट पे आके मुझे भी लगने लग गया था कि ये करेगा नहीं घोड़ा। नहीं, ये पहले भी इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं थी ना, बस इसको पानी पिला देंगे अभी जाके, और दिन में एक बार आज इसको नहला देंगे, रिलैक्स हो जाएगा, उससे मालिश भी करा देंगे, नहला भी देंगे। हाँ, मुझे लग रहा था कि ये और लंबा समय लेगा, दो तीन सेशन लेगा। ये अपन उनके ट्रेलर में चढ़ा देंगे एक बार। नहीं, उनको बुलाएंगे तभी जब उनके ट्रेलर में चढ़ जाएगा घोड़ा। उस ट्रेलर को इधर गाड़ी में ले आएंगे, इसी ग्राउंड में ले आएंगे ना। हाँ हाँ, नो वरीज। लो जी विरक साहब, अपने आप घोड़ा विच वड़िया, तो कोई धक्का नहीं, तो शाम तक होर रुक जाओ, थोड़े ट्रेलर दे विच चढ़ा के वीडियो भेजांगे, फिर आयो।
कि एक घंटा हो रहा ना सिर्फ। हाँ करीब 40 मिनट हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। Will we leave him now? Couple of times we'll load him, unload him, and we'll leave him. Okay. बस afternoon आएंगे जब खाना खा दे इसको, अभी पानी नहलाएंगे इसको। वो नहला देंगे, कोई चिंता मत करो। इसको ये पता चल गया भी जल्दी अंदर जाऊं तो मेरी जान छूटेगी। खुशी से ही जाना चाह रहा है। ना बेटा ना, कभी नहीं। एफर्टलेस। मनु भैया जी, आई एम रेडी। आ जाओ पीछे। यस सर। के रिलीफ ट्रेलर के अंदर है। ग्रेट, थैंक यू मिस्टर हॉर्स, थैंक यू मिस्टर ट्रेनर।